नमस्कार। हमारे जहन में एक मसला शिमला नगर निगम से संबंधित और शहरी विकास विभाग जो हमारे पास है उससे संबंधित जो हमारे पूर्व विधायक है आदरणीय श्री राजेंद्र राणा जी, उन्होंने कुछ इररेगुलरिटीज का मसला पेयजल योजना जो शिमला के अंदर चल रही है उसके संबंध में उठाया है। मैं उस विषय में कुछ स्थितियां जो है वो स्पष्ट करना चाहता हूं कि शिमला के अंदर जो प्रेशराइज्ड 24/7 वाटर सप्लाई स्कीम है, ये वर्ल्ड बैंक द्वारा इसको एनविसेज किया गया था और दो फेजेस में इसको बांटा गया है, जिसमें एक में इसको सतलुज नदी से ये पानी उठाकर दूसरे फेज में इसको शिमला के हर घर तक प्रेशराइज तरीके से 24 घंटे ये पानी देने का प्रक्रिया है। इसमें उन्होंने कुछ अनियमितताओं की बात करी है। इसमें मैं स्थिति स्पष्ट करना चाहता हूं कि ये प्रोजेक्ट जो है L1 फर्म को द अवार्ड ऑफ वर्क टू L1 फर्म हैज नॉट बीन हेस्टी एज हैज बीन अलेज्ड। द फाइनलाइजेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वॉज डेलिब्रेटेड एंड अ कॉन्शियस डिसीजन एंड अंडरटेकिंग आफ्टर ड्यू प्रोसेस ऑफ ट्रांसपेरेंट ऑनलाइन बिडिंग वॉज फॉलोड बाई जस्टिफिकेशन एंड नेगोसिएशन। जो हमारा इसमें एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है जिसमें IIT रुड़की के सदस्य है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स है और एक्सपर्ट्स है, इन्होंने 23 फरवरी 2024 को इस बैठक में ये निर्णय लिया कि जो L1 फर्म है उसको ये अवार्ड किया जाएगा, जिसके बाद तत्पश्चात 13 मार्च 2024 को जो हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हुई है उसमें इसकी जो है इसकी मुहर लगने के बाद ड्यू प्रोसेस के साथ इसको अवार्ड किया गया है। जैसा इसमें कहा गया है कि ये सिंगल फर्म को दिया गया है, इसमें मैं कहना चाहूंगा कि द कंस्ट्रक्ट ऑफ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट वॉज एनविस्टेज एज अ सिंगल इंटीग्रेटेड कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सिटी ऑफ शिमला अकिन टू अ वन सिटी ऑपरेटर कॉन्सेप्ट। दिस वॉज टू इंश्योर सिंगल प्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी फॉर ऑल सर्विस डिलीवरी पैरामीटर्स एंड ग्रेटर कस्टमर सेंट्रिसिटी, ताकि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो और एक ही फर्म इसको पूरे शहर के अंदर करे, ताकि उसमें डिलीवरी पैरामीटर्स मीट करे। उस सोच के साथ इसको इम्प्लीमेंट शहर के अंदर किया गया है। और उसमें एक और बात जो उन्होंने उठाई थी कि इसमें 10 करोड़ रुपए का एडवांस इस कंपनी को दिया गया है, दिस इज फैक्चुअली इनकरेक्ट। अभी तक एक रुपया भी उनको जो है कंपनी को एडवांस में नहीं दिया गया है। हालांकि मैं इसमें ये ऐड करना चाहूंगा कि इट इज क्लैरिफाइड दैट एज पर द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट द पीबीसी ऑपरेटर कैन क्लेम 5% ऑफ केपेक्स अमाउंट दैट इज 29.35 करोड़ एट द बिगनिंग ऑफ स्टार्टअप पीरियड आफ्टर सबमिशन ऑफ एडवांस बैंक गारंटी फॉर एन अमाउंट इक्वल टू 110% ऑफ अमाउंट दैट इज INR 32.28 करोड़। द अमाउंट पेड टू द ऑपरेटर इज सब्जेक्ट टू द रीपेमेंट along with prevailing RBI interest rates. The advance shall be recovered at 5% for each running account bill submitted by the operator. ताकि इसमें 5% की जो running cost है उसके हिसाब से जो है ये पैसा उनको stage wise दिया जाएगा और उसमें back guarantee जो है वो उनसे ली जाएगी। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि all due process of laws have been followed and the board of directors which is headed by the chief secretary and all the independent members and experts जिसमें IIT के सदस्यों को भी हमने लिया है, उन्होंने अपने रिपोर्ट के हिसाब से इसको अवार्ड किया गया है। इसलिए जो ये बयान आदरणीय राजेंद्र राणा जी ने दिया है वो राजनीति से प्रेरित है, फैक्चुअली इनकरेक्ट है और आने वाले समय में इसका एक पूरा रिकॉर्ड हम जो है जनता के सामने भी रखेंगे, ताकि इसमें कोई भी क्वेश्चन मार्क जो है वो ना लगे। बिकॉज दी आर गवर्नमेंट हेडेड बाय दी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री सुखविंदर सिंह सुखू, हम ट्रांसपेरेंसी में बिलीव करते हैं और पारदर्शिता से हर काम हमारे विभाग में और सरकार द्वारा किया जाएगा, इसका मैं आपको पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूं। थैंक यू।